जैन दोस्तों, अनिल सर आई टीचर आपसे बहुत बहुत स्वागत है। गवर्नमेंट आईटीआई बिहार का एंट्रेंस एग्जाम के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है दोस्तों। आपको बता दें, गवर्नमेंट आईटीआई से अगर आप आईटीआई करते हैं तो आपको किसी भी तरह कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं पड़ती है। 200-400 एग्जामिनेशन फीस और रजिस्ट्रेशन फीस आपको देना पड़ता है, बाकी इसके अलावा किसी भी तरह कोई फीस यहाँ पर नहीं लगता है। आपको बता दें, प्राइवेट आईटीआई से भी बेहतर आपको यहाँ पे आईटीआई की नॉलेज यहाँ पे दी जाती है सर, गवर्नमेंट आईटीआई में। वो भी एनसीबीटी का होता है, कोई एससीबीटी का नहीं होता है। पहले बिहार में भी एससीबीटी था, लेकिन अब लगभग सभी आईटीआई को यहाँ पे एनसीबीटी में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसका ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो चुका है, जिसके बारे में जानकारी आपको देने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर सभी कैंडिडेट जो है आईटीआई पास आउट है, तो आप सभी अपने ग्रुप में जरूर शेयर कर दें। जो भी कैंडिडेट हैं आपके जान पहचान है, तो सभी को वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी इसकी जानकारी मिल पाए। चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, साथ ही सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। जो भी आईटीआई पास आउट है उनके लिए वैकेंसी जो हमेशा आती रहती है, उसकी जानकारी अनिल सर आईटीआई वेबसाइट पर करियर ऑप्शन पर दी गई है, वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इसका नोटिफिकेशन भी आप नीचे की तरफ एडमिशन वाला सेक्शन पे जाइएगा, तो एडमिशन वाला सेक्शन में हमने यहाँ पे दे रखा है गवर्नमेंट आईटीआई एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म पे क्लिक करके यहाँ से ओपन करिएगा, तो आपको यहाँ पे देखने को पूरी जानकारी मिल जाएगी दोस्तों। इसका फुल नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है, उसको भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कॉम्पिटिटिव एडमिशन टेस्ट आईटीआई कैट 2023 के एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म भरा जाएगा, जो कि सेशन होगा 1 साल 23 से 24 और 2 साल जो है 23 से 25 का है, बिहार सरकार का है। हम बात करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल हैं, तो यहाँ देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले क्वालिफिकेशन की बात करें, तो क्वालिफिकेशन में आप बिहार बोर्ड से या सीबीएसई बोर्ड से, ठीक है, मैट्रिक पास आउट होना चाहिए, जिससे गणित और विज्ञान के साथ उत्तीर्ण, अथवा मैट्रिक गणित और तो साइंस होना चाहिए, सभी सब्जेक्ट में आपका यहाँ पर पास आउट होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक बात और, आवासीय में ध्यान रखिएगा, केवल वही आवेदक प्रवेश पा सकते हैं जो भारत के नागरिक हैं, और साथ ही साथ कम से कम एक आवासीय श्रेणी इसमें आते हैं, जैसे उनके माता पिता पति पत्नी बिहार के स्थायी या मूल निवासी। जिनके माता पिता पति पत्नी बिहार में निबंधित शरणार्थी यानी कि रिफ्यूजी हैं, या बिहार के जिनके माता पिता पति पत्नी बिहार सरकार के कर्मचारी हैं, या माता पिता पति पत्नी बिहार में पदस्थापित भारत सरकार के कर्मचारी हैं, या भारत सरकार द्वारा संचालित संस्थानों में बिहार में पदस्थापित कर्मचारी हैं, तो इसके लिए एलिजिबल है। देखिए, पति जिसके पति बिहार के निवासी है, बिहार में पदस्थापित है, वो विवाहित महिला के लिए उनके पति का आवासीय प्रमाण पत्र लागू होगा, तो उनकी पर यहाँ पे बिहार में आईटीआई में एडमिशन ले सकते हैं। आयु की बात करें तो मिनिमम आयु आपके 14 साल होना चाहिए, और यहाँ पे देखिएगा उसके बाद का नहीं होना चाहिए। मैकेनिक मोटर व्हीकल मैकेनिक ट्रेक्टर के लिए मिनिमम आयु 17 साल होनी चाहिए, बाकी सभी जितने भी ट्रेड है सभी के लिए मिनिमम आयु 14 साल रखी गई है। मैक्सिमम यहाँ पर नहीं होता, मैक्सिमम की कोई बात रहता नहीं है, आप कितने भी साल की उम्र के आप आईटीआई कर सकते हैं। जी देखिए, यहाँ पर सभी जिलों के नाम दिए गए हैं, किस जिले में कितनी सीटें हैं, किस ट्रेड का, उसको आप जाकर के लिस्ट को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्शन का जो प्रोसेस है, रिटर्न एग्जाम होता है, रिटर्न एग्जाम यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप का ओएमआर शीट पर एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा जो कि इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में रहेगा, उसी के आधार पर यहाँ पे सिलेक्शन किया जाता है। एग्जाम का जो क्वेश्चन रहेगा टोटल 300 मार्क्स का रहेगा, टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 2 घंटा और 15 मिनट का आपको समय मिलने वाला है। गणित में आपके 50 प्रश्न होंगे, सामाजिक सामान्य विज्ञान में 50 होंगे, सामान्य ज्ञान में 50 क्वेश्चन, टोटल 300 क्वेश्चन होंगे। अच्छी बात यह है कि आपको प्रत्येक अंक पे प्रत्येक सही उत्तर पे 2 अंक मिलेंगे, और प्रत्येक गलत अंक गलत करने पर किसी भी तरह कोई कटौती नहीं की जाएगी, तो यह आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा हुआ है। रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, उसका पूरा प्रोसेस दिया गया है, और आपको बता दें यहाँ पे लिस्ट भी दिया गया है कि किस जिले में कितने क्या है, तो उसकी जानकारी यहाँ पर दी भी गई है कि कितनी सीटें हैं, किस जिले में कौन सा ट्रेड है, किस जिले में, पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई, ठीक है, तो यहाँ मिला लीजिएगा इसमें।
एनसीबीटी भी है, कुछ एससीबीटी भी आपको देखने को मिल जाए। जैसे देखिए एससीबीटी है, सभी तो नहीं कहेंगे एनसीबीटी, लेकिन कुछ है जो है एससीबीटी वाले में भी आपको देखने को मिल जाएगा एडमिशन। तो आपको बताते हैं, अगर आपको कभी भी मौका मिले एनसीबीटी और एससीबीटी में चूज करने के लिए, तो आप हमेशा एनसीबीटी को प्रेफर करिएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसी वैकेंसी हैं जो एससीबीटी को योगदान नहीं कराती है, सिर्फ और सिर्फ एनसीबीटी वालों को लेती है, तो इसका ध्यान रखें। और हो सके तो आप 2 साल वाला ट्रेड आईटीआई करें, 1 साल आपको लगता है कम समय में हो जाएगा, लेकिन बहुत ही सारे जगहों पे 1 साल के ट्रेड को मौका नहीं मिलता है। जिससे आपको याद रखना है कि आपको जो है यहाँ पे एनसीबीटी और 2 साल का ईयर का ट्रेड आपको आईटीआई करनी है, ठीक है। तो बच्चे के लिए कौन कौन सा ट्रेड से आईटीआई करना चाहते हैं, नीचे कमेंट कर बताइए कि आप किस ऐसे ट्रेड है जिससे आप आईटीआई करना चाहते हैं। और आपको बता दें, आप एट ए टाइम या आप कभी भी सिर्फ एक ही ट्रेड से आईटीआई कर सकते हैं, उससे आगे चलो कि दूसरा ट्रेड करने से कोई फायदा आपको नहीं होगा। इसलिए जो भी आईटीआई का ट्रेड चुनना हो, एक ध्यान से चुने और उसी पर आगे की तरफ बढ़े, ठीक है। तो मिलते हैं वीडियो अगली मेरे साथ, नीचे कमेंट करें कि आप किस आगे ट्रेड में एडमिशन लेना चाहते हैं, नीचे कमेंट करना मत भूलिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।